करनाल के सेक्टर 13 में बच्चों ने मिलकर अपने सेक्टर की एक दीवार की ग्राफिटी के जरिए रंग दिया है। पहले यहां लोग दीवार के पास कूड़ा डालते थे, लेकिन वॉल ग्राफिटी होने के बाद आस पड़ोस के लोग भी यहां सेल्फी क्लिक करने आते हैं। बड़े बड़े शहरों में आपने वॉल ग्राफिटी देखी होगी, लेकिन करनाल के ये बच्चे भी कलाकार निकले और अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए इन्होंने जिम्मा उठाते हुए दीवार पर कर डाली ग्राफिटी। सब बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे किए और खरीद लिया दीवार पर ग्राफिटी करने का सामान। बच्चों ने वक्त निकाला और जुट गए दीवार को सुंदर बनाने के लिए। एक दो दिन के समय के बाद बच्चों की मेहनत रंग लाई और जिस दीवार के पास पहले लोग कूड़ा डालकर जाते थे, अब वहां आकर सेल्फी क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे थे। बच्चों ने दीवार पर ग्राफिटी के जरिए अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई। किसी करनाल का प्रेम दिखाकर आई लव करनाल लिख दिया, तो किसी ने हमें शुद्ध हवा देने वाला पेड़ बना दिया, तो किसी ने शांति के प्रतीक बुद्ध की तस्वीर बना डाली, तो किसी ने स्लोगन के जरिए करनाल समेत पूरे हरियाणा को संदेश देने की कोशिश की। बच्चे खुश हैं और इस दीवार के साथ साथ अब वो प्रशासन के सहयोग से करनाल की कुछ और दीवारों पर भी ग्राफिटी के जरिए कलाकारी करना चाहते हैं, ताकि करनाल शहर को और खूबसूरत बनाया जा सके। लव करनाल, यानी कि अपने शहर का नाम लिख दिया गया कि हम अपने शहर को बहुत प्यार करते हैं। ये सेक्टर 13 पोश इलाके की वह तस्वीर है, लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद अनलॉक आया और इन युवा छात्र छात्राओं ने किस तरह से इस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि काफी आस पड़ोस के लोग रात के समय यहाँ पर कूड़ा करकट घेर दिया जाते थे, और अब आप देख सकते हैं जहाँ पर लोग कूड़ा करकट घेरते थे उस दीवार को कि यहाँ पे ये पेंटिंग बेस्ट होगी। एक्चुअली हम लोगों ने पहले इस वॉल का एक लेआउट बनाया, उसके बाद में सब लोगों ने मिलकर सोचा कि हम एक थीम क्या रखेंगे, तो हमें चाहिए था कि कुछ कलरफुल रखे, यूनिक रखे, क्योंकि वाइब्रेंट कलर्स होते वही अट्रैक्ट करते हैं। वाइट बेस था इस वॉल का, तो सब लोगों ने कुछ कुछ आइडियाज़ हमने पहले से ब्लूप्रिंट में बनाए थे। कुछ जब हम लोग पेंटिंग कर रहे थे वो चीज़ देखने में अगर हमें नहीं अट्रैक्ट कर रही थी तो हमने उसी टाइम पे मोमेंट पे चेंज कर दिया। तो सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन था, कुछ पिक्चर्स सेंड करते थे, कुछ हमने एग्जैक्टली उन पिक्चर्स को रेप्लीकेट कर पाए, कुछ को नहीं कर पाए तो अपनी क्रिएटिविटी से करा। तो सब यहाँ पे 10-15 बच्चे हैं जिन लोगों ने मिलकर करा है, तो हर किसी के अपने अपने कुछ कुछ आइडियाज से कॉन्ट्रीब्यूट करके एक लेआउट हम लोगों ने बना लिया था, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद थे तो आपने उसका थोड़ा स्कूल कॉलेज ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे काफी हमारे यहाँ पे मतलब सीनियर्स भी, जैसे मैं भी जॉब करती हूँ, ये भी वर्किंग है, तो मतलब हम सब लोगों ने मिलकर इन बच्चों के साथ में कर दिया, क्योंकि सब शाम के टाइम पे तो फ्री होते ही थे, क्योंकि दिन में तो इनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी बच्चों की, हमारा भी वर्क फ्रॉम होम होता था, बट देन उसके बाद इवनिंग टाइम में हम लोग फ्री थे, कहीं घूमने नहीं जाना, बाहर नहीं जाना है, तो सब बैठ करके आपस में डिस्कस करा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया कॉलोनी के बच्चों का, और फिर हम लोगों ने उस पर डिस्कस करके कि चलो इस टाइम सब फ्री हैं आ जाओ बनाते हैं, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, डिवाइड कर लिया, तो एक प्लान्ड वे में जैसे एक प्रोजेक्ट रन किया जाता है वैसे हम लोगों ने करा। स्टार्ट करो, यहाँ पे पहले जब ये वॉल पेंटिंग्स नहीं स्टार्ट हुई थी तो सब लोग यहाँ पे आके कूड़ा फेंकते थे, तो हमने सोचा है वॉल पेंटिंग्स करने का ताकि यहाँ पे लोग कूड़ा ना फेंके और हम अपनी स्ट्रीट को स्मार्ट स्ट्रीट बनाएं। सो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे फोटोज खिंचवाइए, मेक दिस वॉल अ इंस्टा वॉल। नमस्कार पेंसिल, तो कहाँ से आइडिया आया ये दीवार पेंटिंग का? Yeah, actually in the lockdown period we all guys were just hanging out and killing our time, so we decided to do something creative, so then we decided to paint the wall because all the people around they used to throw the garbage here, so we decided to do something creative through which this can be prohibited. So kitna time laga sir? It took near about 10 days, but now we want another week to complete the wall. Kitne doston ne milkar kaam kiya? Yeah, we were 15 to 20 people who contributed in making this painting.